अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब वीडियो। तो भाई मैं जो भी इशारे कर रही हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं होश में नहीं थी, मैं नींद में थी। तो दरअसल बात ये है कि घर में सब सो रहे थे और इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो हम लोग चलते हैं सीधा कॉलेज जाना है यार, कॉलेज की तैयारी करनी है, कॉलेज चलते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे आपको वो दिखाने जिसके लिए हमने वीडियो बनाएंगे, मेरे हम सफ़र ड्रामे की शूटिंग के लिए। चली शॉर्ट के और जा ही नहीं रही थी, क्या खबीस बना है। इस तरह का है सीन, ये है दरअसल कि ये जो शख्स है ना, ये मेरे है कॉलेज फ्रेंड, ठीक है। अब मैंने कॉलेज का पूरा ब्लॉग बनाया, मैंने कहा यार मज़े मज़े की चीज़ हुई और बहुत मज़ा किया हमने, तो लेकिन वो मैंने क्लिप आगे डाली नहीं, पूछेंगे मैं बता देती हूँ कैसे पूछेंगे, कमेंट में पूछेंगे क्यों, ठीक है। तो फिर मैंने ये सीन ये हुआ कि यार मैंने उसको पहले कहा था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, जिसने आना है आओ, मैं किसी का फेस हाइड नहीं करूँगी, क्योंकि यार जब किसी का फेस हाइड करते ना तो देखने वाले को और जो ब्लॉग बनाता है उसको, दोनों को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक बंदे का जिस तरह से फेस हाइड हुआ है, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, ये वो ब्लॉग में थोड़ी मुश्किल भी होती है और एडिटिंग में भी बहुत मुश्किल हो जाती है फेस हाइड करने के लिए। जिसकी वजह से मैंने कहा था जिसको आना है आए, नहीं आना, जिसको शक्ल नहीं दिखानी मत दिखाए। मैं किसी को कोई फोर्स नहीं कर रही कि मेरे ब्लॉग में आए या ना आए। तो अब ये आ गई और इनका घर जाके मैसेज आया, यार मैंने अपनी मम्मा से पूछा मुझे फेस हाइड कर दे मेरा, जिनकी वजह से मेरा पूरा ब्लॉग ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत सी जगहों पे नहीं है जिसकी वजह से मैं हाइड कितना भी हाइड कर लूँ ना फेस सही से हाइड भी नहीं हो रहा था और व्लॉग में हल्का सा ही मज़ा नहीं आ रहा था, वीडियो में ग्लिच आ रहा था। तो मैंने कहा यार छोड़ो, फिर मैंने सारी क्लिप्स डिलीट कर दी। अब सीन ये है कि ये छोटा सा ही व्लॉग बना है मेरा, आगे जाके आप लोग मेरे हम सफ़र का शूट देखें और बस व्लॉग फिर यही ख़त्म करते हैं शूट के बाद। अल्लाह हाफिज़, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करेगा, ठीक है। इंशाल्लाह कॉलेज जाएंगे, नया ब्लॉग बनाएंगे, पर टेंशन की बात नहीं, ठीक हो गया। तो भाई यार ये जो ऊपर वाला जो सीन चल रहा है ना, ये ओरिजिनल ड्रामे में आया, और जो ये नीचे वाला है ना, ये हमारे बिल्कुल घर के एक घर छोड़ के सामने वाले घर में शूटिंग हुई। पहले तो मुझे पता नहीं था इस ड्रामे की, लेकिन आज मैंने किस देखी और मुझे दिखा, मैंने कहा यार इस पर ब्लॉग तो बनता है, जो बात है।